कानपुर से 29 तारीख दिन 29 तारीख को गंगागंज के जिनको वाटिका में एक कल्पतरु की मीटिंग का आयोजन किया गया था, जो वहाँ के सीनियरों द्वारा किया गया था और जिसमें करीब कई डिस्ट्रिक्टों से लोग आए हुए थे और 200 आदमी करीब इकट्ठा हुए थे वहाँ पर और बातचीत हो रही थी। उसी दौरान एक महिला एजेंट वहाँ पर आई और ये बताया कि वहाँ पर हमने 1 लाख रुपये हमारा एस एन मिश्रा जी के द्वारा जमा करवाया गया था बंद कंपनी में और वो जमा करवा दिया, हमारी लड़की शादी थी, हमारा पैसा फंस गया और ये फ़ोन नहीं उठाते हैं और वो पैसा पहले कैसे कब निकलेगा, दूसरी कंपनी क्यों चालू कर रहे हैं, ये समस्या उसने उठाई और 100 नंबर पुलिस को बुला करके आ गई। पुलिस आ गई पंथी से और वो फिर आए, वहाँ का SI आया, उसने बोला वहाँ थाने आइए, वहीं बातचीत होगी। तो जब वहाँ थाने पहुँचे, वहाँ के सीनियर वो लोग और वो पांडे जी जो बॉम्बे से आए हुए थे, राजनाथ सिंह, तो एस एन मिश्रा जी को तो वहाँ बैठा ले रहे, कल तक उनको वहाँ बैठा ले रखा गया था, कल शायद जमानत वगैरह करवा करके उन लोगों को छोड़ा गया। विकास जी को फोन के लिए बोला गया था, वहाँ से खबर दी गई थी, किया गया था, एसएन मिश्रा जी ने कहा था विकास त्रिपाठी बोलने वाले, जब आपको फोन किया गया, आपने जब हमसे संपर्क किया तो मैंने कहा मैं भी वहीं पर हूँ, प्रेजेंट टाइम में मौजूद हूँ, लेकिन इस व्यवस्था का समाधान कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ के लोग सक्रिय थे नहीं। वहाँ के लोगों से हमने कहा सदस्यता फार्म अपना भरिए और साथ में हमारे साथ जुड़िए, चूँकि आप लोगों का बैनर हमारे में नाम चल रहा है। तो काफ़ी कुछ लोग कल वो तैयार हुए थे कि आने के लिए आज, लेकिन आज अभी कोई दिखाई नहीं दिया आया हुआ, कल आने की आज बोला था कि हम लोग आएंगे, वहाँ सक्रिय होंगे, उसमें सब लोग सब सपोर्ट करके और जिससे हम लोगों को भी सुरक्षा व्यवस्था ऐसे ही मिले जैसे PSL में लोगों के साथ चल रहा है। तो जो ये कार्यक्रम हुआ था क्या KBCL के समाधान के लिए हुआ था कि कोई नई कंपनी को फार्मेट वहाँ पे प्रमोट करने के लिए, नई कंपनी को प्रमोट कर रहे थे, उसी के बैक से वो कह रहे थे कि इस KBCL का समाधान भी निकलेगा पीछे से, कैसे कि यहाँ पर जमा होगा उसी रास्ते से धीरे धीरे हम पिछला पैसा पेमेंट करेंगे। तो जो ये नई कंपनी बन रही है क्या ये मतलब सामान वाली मार्केटिंग कंपनी थी? हाँ, कि हाँ, रियल इस्टेट कंपनी थी, FMCG सब टाइप का प्रोडक्ट बता रहे थे कि हमारे पास जो उसमें चलाएंगे। तो ये कैसे फिर पैसा कैसे निकलेगा वहाँ के KBCL का पेमेंट कैसे होगा? उसके माध्यम से कह रहे थे कि वहाँ से कुछ फिर जमीने मीने भी बिकेंगी वहाँ की, धीरे धीरे हम उस समय अपना वहाँ से एडजस्ट करेंगे। तो इसका मतलब कि राजनाथ सिंह के साथ में राणा जी भी मिले हुए? हाँ बिल्कुल मिले होंगे, तब तो राजनाथ सिंह के साथ राणा मिले नहीं हो सकता नहीं मिले हो, लेकिन वो जो पांडे जी आए थे जी बॉम्बे से जी उनके साथ तो संपर्क में है। तो पांडे जी किस रैंक पे क्या है वहाँ पे कंपनी में कार्यकर्ता है? तो डायरेक्टर हैं कंपनी के, क्या डायरेक्टर हैं ये साथ भाई? देखिए बिना कंपनी का अगर हम FMCG का सामान लेते हैं और KBCL का भुगतान कैसे हो जाएगा वो ये सोचने का विषय है, क्योंकि बिना क्योंकि राजनाथ सिंह के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। एक सीनियर थे, फील्ड के सीनियर थे, उनका तो प्रयास यही है कि जो फील्ड के साथ में फंसे हुए हैं तो उनका प्रयास है कि हम कंपनी के लोगों को। प्रदीप जी इस वीडियो के माध्यम से आप उन लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं जो सीनियर आज भी दूसरी कंपनियों में काम कर रहे हैं और विकास त्रिपाठी को बोलते हैं समय नहीं है, उन सीनियरों को क्या संदेश देंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज अभी भी समय है, वक्त है कि सभी लोग आकर के एकजुट होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं और अपने सारे निवेशकों का पेमेंट जैसा है उसको वो निकलवाया जाए, नहीं तो समय बहुत लगेगा। और जिस जो भी तरीके अपनाए जा रहे हैं उसका रीजन है कि यहाँ पर जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है अपने यहाँ पर, और वो सक्रिय इसीलिए हुए कि जो अभी एक अपने यहाँ लोक सेवा दल का गठन किया गया, पार्टी का गठन किया गया, ये अंत में किया गया जब लास्ट में अपनी मजबूरी थी कि कहीं से कुछ हुआ नहीं, कि हम लोगों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष और सभी के साथ पास जा करके, यानी 25 नवंबर को जो दिल्ली में गए थे उसके बावजूद यहाँ पर कोई खास निष्कर्ष नहीं निकल सका, तो अंत में ये लोक सेवा दल का गठन किया जाना उचित था और ये यही सही है। पर कुछ लोग कह रहे हैं विकास त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के मारे अगर आवश्यकता पड़ी, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर आवश्यकता पड़ी तो चुनाव विकास त्रिपाठी के और भी जो लोग सक्रिय सदस्य बनेंगे वो भी लड़ेंगे। तो अगर वो नहीं लड़ते क्या तो चुनाव लड़ना हम लोगों के लिए सही है कि गलत है? कोई भी चीज गलत नहीं, अगर हमें हमारी व्यवस्था अगर क्या हमारे सांसदों ने कभी हमारी आवाज को उठाया है? नहीं उठाया, चाहे वो भोले जी हो चाहे जोशी जी हो चाहे वो सत्ता पर, तो क्या पुनः हमें भाजपा को वोट देना चाहिए? देना चाहिए। क्या कांग्रेस को वोट देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, इसीलिए हम लोग को जो लोक सेवा दल बना इसका समर्थन करना चाहिए और सभी लोगों को
इसका यहाँ आई हुई जनता से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोक सेवा दल के साथ में हैं कि भाजपा के साथ में हैं कि कांग्रेस के साथ में हैं। लोक सेवा दल के साथ में हो तो कृपया करके अपना अपना हाथ उठाए। संघ लोक सेवा दल साथ में, सभी लोग भारतीय लोक सेवा दल के साथ में है। धन्यवाद प्रदीप जी। भारतीय लोक सेवा दल की, भारतीय लोक सेवा दल जिंदाबाद, भारतीय लोक सेवा दल जिंदाबाद, जिंदाबाद।